वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। भगतों का मुंडला जीवन तो आम लोगों की तरह ही होता है, इसलिए कोई उन्हां वल ध्यान नहीं दिंदा। पर जदों भगत रब नूं पा जांदे हन तां फिर भगत लोकां दा मोह त्याग दिंदे हन। गुरबाणी दा वी फरमान है, जिन्हें पाया तिन्हें छुपाया। बाबा जवाहरदास जी सूसां वाले सूसां दे जट परिवार विच्चों सन। उन्हां दे पिता दा नाम उत्तम दास ते माता दा नाम दया कौर सी। बाबा जी दा एक भरा ते एक भैण सी। इन्हां दे माता पिता छोटी उम्र विच ही अकाल चलाना कर गए सन। कुछ समय बाद आप जी दा दूसरा भाई भी रब नूं प्यारा हो गया। कुछ देर बाद बाबा जी ने अपनी भैन दा विआह माण के पिंड कर दिता। आप इकल्ले रह गए। बिरती शुरू तो ही साधुआं सुभाव वाली सी, ते हुण होर भी घर विच इकल्ले रह गए। बाबा जी नूं पहला भाई जवाहर करके बुलाया जांदा सी। आप हरी नाम विच लीन रहिंदे सन। वैसे भी रब दा नाम लैण वाले एकांत चाहुंदे हन। जिंदगी विच असी अनेकां टेस्ट दिंदे हां, फिर अगली जमात विच दाखला मिलदा है। टेस्ट पास करन तो बाद अगला प्रोफेशन हुंदा है। पर बाबा जी दा ए टेस्ट कोई 20 साल दी उम्र विच ही परमात्मा ने रख दिता। एक दिन बाबा जी घर विच इकल्ले सी, अपने मंजे ते बैठे एकांत विच अपनी भगती विच लीन सन। एक औरत आई जो बाबा जी ने कदे पहला नहीं देखी सी, पर सत्कार कीता ते बैठन वास्ते कहा। पुछया, कौन ते कित्थों आए हो? तां ओ उल्टा इंद्र जाल बनाउणा शुरू कर दिता। पर बाबा जी उठ खड़े होए ते घर खुला ही छड के निकल गए। जिथे हुण डेरा है इत्थे आके बैठ गए। कहिंदे हन कि पिंड दे लोकां दे कहण ते भी मुड़ के अपने घर नहीं गए। इसे जगह तप कीता ते लोकां दी सेवा भी कीती ते परमात्मा नूं पा लिया। पर बाबा जी ने परमात्मा दी भगती करन तो पहले अपने शरीर नूं सोधना बहुत जरूरी समझिया। कहिंदे हन कि उस समय तक इस तो कम लैंदे रहे, लुकाई दी अते हर प्राणी दी सेवा करदे सन। जदों हथ पैर कम करनों हट गए तां अपनी रसना द्वारा लोकां दी भलाई करनी लई बचन करन लग पए। अज भी उन्हां दे श्रद्धालु उन्हां दे तप स्थान ते आके मूँह मंगियां मुरादां पाउंदे हन। जदों बाबा जी छन बना के रहन लगे तां इन्हां ने सब तों पहले आप खूही कढ़ी जिस ते अज कल हल्टी है। ए कच्ची बौली हुंदी सी, फिर बाबा जी ने पक्की करवाई। बाबा जी ने शरीर नूं सोधन वास्ते इस नूं कदे भी बेला नहीं रहन दिता। जे खूही बन गई तां सरोवर पुटना शुरू कर दिता। रात नूं भगती करदे सन, जाने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं जितण लई उन्हां ने यह फार्मूला बनाया होया सी। बाबा जी दोपहर नूं हाली लोकां नूं पानी जा के पिलाउंदे सन। फिर लोकां ने कहा, भाई पानी पिला दिंदा है, कनाल दा थां होर बा लईदा है। बाबा जी दे मन विच आई तां उन्हां ने बेंगी बना के दो घड़े नाल लुहांडा पशुआं नूं भी पानी पिलाउणा शुरू कर दिता। आप राह जांदे मुसाफरां नूं पानी ते दुध दी सेवा करदे सन। फिर बाबा जी ने इत्थे बोहड़ां ते बेरियां अपने ही हत्थी लगाईयां, जिन्हां दी छावें डंगर अते मुसाफर धुप वेले आराम कर सकण। बाबा जी दी खुराक बहुत सादी सी। कहिंदे हन कि ओह अलूहणी कढ़ी खांदे सन, प्रशादा बहुत घट खांदे सन। भगती भी ज़्यादा तुरदे फिरदे ही करदे सन। जवानी तो बाद तां उन्हां ने बैठ के समाधि भी लाउंदे सन।
आराम अते हरे राम दा सिमरन करदे सन। एक बार गंगा दे तीर्थ यात्रा भी गए अते एक साल बाद मुड़े। गंगा ते कई साधु महात्मा नाल विचार सांझे कीते पर मन ना मन्या। जदों गंगा तो आ रहे सन तां राह विच बेला जट नामी यात्री नाल साथ हो गया। ओ जमशेर लागे दिवाली पिंड दा सी, उत्थे एक साधना नामक साधु पहुंचिया होया सी। बाबा जी दे मन लग गया ते उत्थे एक साल साधना जी दे कहे मुताबक लुकाई दी सेवा, हरि दा नाम अते हर प्राणी नू आदर देना, हंकार नहीं करना आदि कुछ गल्लां जो संत साधना जी ने दित्तियां लै के उन्हां दी आग्या नाल फिर सूसा पिंड आ गए। इतनी कोर तपस्या कीती कि आप दा कहा सच होण लग पिया, पर बाबा जी ने सेवा अते भगती फिर भी नहीं छड्डी। ए दुनिया किसे दी मित नहीं ते ना ही होई है अते ना होवेगी, जिस दी लाठी उस दी भैंस। बाबा जी पास दो गाइयां सन, गंगा अते जमुना। उन्हां दा दुध अपने इस्तेमाल तो इलावा रहियां नूं पिला दित्ता जांदा सी। एक दिन कुछ साधु आए, बाबा जी ने अपने चेले नूं कहा, शेरिया महात्मा नूं दुध पिलाओ। शेरे ने कहा, दुध थोड़ा है। बाबा जी ने फिर कहा, थोड़ा ही पिला दिओ। शेरे ने कहा, कच्चा भांडा सी पी गया अते गाइयां मिलिया नहीं। बाबा जी उठ के आए तो देखिया दुध काफ़ी सी, ते बाबा जी ने कह दिता, हुण गाइयां नहीं मिलिया तो मिलन गिया भी नहीं। कहिंदे हन कि उन्हां गाइयां ने मुड़ के दुध ही नहीं दिता। ये गाइयां बहुत देर तक रहियां, जो पिंड दे काफ़ी लोकां ने जो हुण देखियां शेरा बाबा जी तो चोरी तागे तवीत भी करवाउंदा रहा। अखीर गढ़दी वाले किसे पीर कोल गया, उसने अपनी विद्या नाल टो मारी तां पता लगा कि ए तां संत शराफ है। उसने शेरे नूं कहा, तू उन्हां दे पैरी पै जां ओ रब नूं पहुंच गए हन। शेरे ने वापस आके बाबा जी अगे बहुत नक रगड़िया, पर बाबा जी ने कहा, होर गां आ जावेगी ते ए नहीं हुण होना। शेरे ने सारे पिंड नूं बाबा जी दे बचन बारे दस्या तां सारा पिंड ही आदर सत्कार करन लग पिया। होर सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाकी जीवनी असीं अगे वाचांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।